हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, क्वेश्चन हमारे पास है कि एक मिल्क वेंडर है, उसके पास दो कैन है। एक को कह लेते हैं कैन वन और दूसरे को कह लेते हैं कैन टू, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दो कैन हैं। अब लाजमी बात है कि एक में वाटर और मिल्क मिक्स है, तो इसमें भी वाटर और मिल्क है, इसमें भी वाटर और मिल्क है, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं कि किस में कितना वाटर है। कैन वन में वाटर है 25%, तो मिल्क कितना होगा? ऑफ कोर्स 75%। इसी तरह कैन टू में कह रहा है कि 50% वाटर है, तो 50% वाटर है तो मिल्क कितना होगा? 50%। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, कहता है हाउ मच, कितना मिल्क ही मिक्स, इधर से कितना मिल्क ले और इधर से कितना मिल्क ले कि क्या बने 12 लीटर आ जाए उसका मिल्क, ठीक है, 12 लीटर मिल्क बन जाए। अब मगर उसने ये कहा है कि इधर से और इधर से लेने की रेशियो सेम नहीं है, रेशियो इस तरह है कि 3:5 है वाटर टू मिल्क रेशियो। तो जो मिक्सचर है हमारा, यानी जो मिक्सचर है, मिक्सचर हमारे पास एक और कैन आ गई ना, कैन थ्री आ गई, तो कैन थ्री यानी जो मिक्सचर कैन है उसके अंदर वाटर मिल्क की रेशियो सेम नहीं है, उसमें वाटर जो है वो 3 है और मिल्क जो है वो 5 है। तो अब आपने क्या निकालना है, आपने ये निकालना है कि यहाँ पर इस मिल्क में से, अब देखें ना उसमें क्वेश्चन में मिल्क लिखा हुआ है, हाउ मच मिल्क ही मिल्क, तो अब हम मिल्क को ही कंसंट्रेट करेंगे और हमारे पास वाटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि जब हमारे पास परसेंटेज हो और उसका मीन दिया हो, यानी मिक्सचर दिया हो, और आपने क्वांटिटी निकालनी हो कि कितनी रेशो में यूज़ हो रही है, तो आप लॉ ऑफ एलिगेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें तीनों परसेंटेज में चाहिए, ये भी परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में, तो ये भी परसेंटेज में चाहिए। तो इस रेशो को हम परसेंटेज में तब्दील कर लेते हैं, तो 5 हमारे पास है, तो 5 की क्या करें, कितने में से करें, 3 और 5 कितने होते हैं, 8, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो ये परसेंटेज तकरीबन 62.5% आ जाती है। कैसे भाई, 4/8 आधी का होती है 50%, आधी से एक ऊपर है तो वो 1/4% कितनी होता है, 12.5, तो इसलिए 62.5 आएगा। आपने डिवाइड करके भी देख लेना, ठीक है। तो ये आपके पास मीन वैल्यू आ गई 62.5। तो अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें परसेंटेज में आ गई हैं। अब लगाएंगे लॉ ऑफ एलिगेशन, वो मैंने कैसे कहा बताया हुआ है आपको। अब वाटर को तो आपने देखना नहीं है, सिर्फ मिल्क को ही देखना है ना। अब कैन टू, तो कैन वन का कितना है 75% और कैन टू का कितना है 50% मिल्क, ठीक है। और इनको आपने मीन इसका क्या है 62.5। अब ये लॉ ऑफ एलिगेशन क्या होता है, ये बड़ा सिंपल है। आपने पहली क्वांटिटी लिख लेनी है, ठीक है, और दूसरी क्वांटिटी लिख लेनी है, दरमियान में आपने मीन लिख लेना है, यानी मिक्सचर के अंदर वो चीज़ कितनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जब कैन वन वाले को माइनस करोगे तो वो यहाँ पे उसका आंसर आएगा, ठीक है, उसका आंसर आपने यहाँ पे लिख देना है, और इसको माइनस करके जो आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। यानी 75 में से 62.5 गया तो ये आता है 12.5, और 62.5 में से 50 गया तो ये आता है 12.5। यानी आपने अदली बदली करके लिखना होता है, ये लॉ ऑफ एलिगेशन होता है। अच्छा, अब हमारे पास आंसर आ गया है 12.5 12.5, इनकी अब रेशो ले लेंगे 12.5 रेशो 12.5, ठीक है, जो लॉ ऑफ एलिगेशन में आंसर आता होता है ना परसेंटेज का, उसकी हम रेशो बना लेते हैं। तो 12.5 12.5 सेम है, तो रेशो भी क्या होगी, सेम होगी, यानी 1:1 रेशो होगी। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल गया है कि भाई 1:1 रेशो में डालेगा, यानी कैन वन से भी जितना मिल्क आएगा उतना ही मिल्क कैन टू से भी आएगा, ठीक है, 1:1 बन गया है हमारे पास। तो कैन टू और कैन वन 1:1 रेशो में आ रही है। इट्स मीन कि 12 लीटर है, तो अगर कैन वन में से 6 लीटर लेगा तो कैन टू में से भी 6 लीटर ही लेगा। तो ये हमारे पास आ गया है कि बराबर बराबर हाफ हाफ वहाँ से मिल्क लेगा। तो इस रेशो में 3:5 में ये कैन टू और कैन वन से मिल्क मिक्स होगा और ये रेशो आपके पास आएगी और 12 लीटर दूध बनेगा। तो 6 लीटर 6 लीटर 1:1 रेशो, यानी हाफ हाफ, आधा आधा, ठीक है। तो दैट वाज द आंसर कि 6 लीटर पहले कैन से लेगा, 6 लीटर ही दूसरे कैन से लेगा, क्योंकि टोटल 12 लीटर है। दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़।